देश के शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE की 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं तो वहीं कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार फिलहाल उच्च शिक्षा के मामले में सिर्फ लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे चार प्रदेशों से ही आगे। इतना ही नहीं, 18 से 23 साल के छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के मामले में बिहार पड़ोसी राज्य झारखंड से भी पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 14.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से 12.6% कम है। छात्रों में यह अनुपात 15.8% है, जबकि छात्राओं का 13.1%। 2019-20 की बात करें तो राज्य के कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कुल एडमिशन सिर्फ 17,38,432 थे। देश के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो बिहार 37 में से 33वें स्थान पर है। ये आंकड़े बिहार की उच्च शिक्षा की बदहाली जरूर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार में कॉलेजों का औसत भी काफ़ी कम है। बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम सिर्फ 7 लाख कॉलेज हैं, जबकि देश का राष्ट्रीय औसत 30 है। AISHE की रिपोर्ट के मुताबिक सत्र 2019-20 में बिहार में पोस्ट ग्रेजुएशन में से कुल 1,20,941 छात्रों ने एडमिशन लिया, जिनमें 61,287 छात्र थे और 59,654 छात्राएं थीं। 5 वर्षों में PG में भी छात्र छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर हालांकि लगातार कम हुआ है। AISHE के मुताबिक बिहार में सत्र 2015-16 में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 22 थी, जो 2019-20 में बढ़कर 35 हो गई है। राज्य में सत्र 2015-16 में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय महत्व के 3 संस्थान थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 4 और 5 हो गई है। इतना ही नहीं, पिछले 5 वर्षों में राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 0 से बढ़कर 6 हो गई है। सत्र 2019-20 में मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या 863 थी, 55 में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 15 में चिकित्सा और 5 में नर्सिंग की पढ़ाई हो रही थी। उच्च शिक्षा में सभी वर्गों और अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में पिछले सालों में काम तो हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से अभी भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे में नीतीश सरकार को 12वीं के पास छात्रों के हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीमों को चलाना होगा और छात्रों की हर तरह से मदद करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।